सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है? अब हम लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं क्या कि एस्टेट जनरल में 1789 में क्या हुआ, ठीक है ना? 5 मई 1789 को सब लोग एस्टेट जनरल में मिले। फर्स्ट एस्टेट के कितने लोग आए थे? 300 लोग। सौ सेकंड एस्टेट से कितने लोग आए थे? 300। थर्ड एस्टेट से कितने लोग आए थे? 600। ठीक है ना? और ये 600 लोग अकेले नहीं आए थे, ये अपने साथ 40,000 लेटर लेकर आए थे। किस चीज के साथ? कि लोगों को कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है अंडर। 40,000 लेटर लिखे थे स्टेटिंग देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स। नहीं, ये इतने सारे लेटर लेकर आए थे बेटा, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी ना, ये उठा के लेकर आए थे दूसरों के लेटर। टिल नाउ अभी तक क्या होता था? वोटिंग प्रिंसिपल क्या था? वन स्टेट वन वोट। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोग क्या सोच के आए थे कि अब हम लोग वोटिंग कैसे करेंगे? वन पर्सन वन वोट। थर्ड स्टेट के लोगों ने ये बात क्या करी? प्रपोज भी करी, और किंग ने इनका प्रपोजल क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो उधर से बाहर चले गए, अपना प्रोटेस्ट शो करने के लिए वहां से उठकर बाहर चले गए। आई बात समझ में? ठीक है, अब जब ये बाहर गए तो ये बाहर जाके घर तो चले नहीं गए, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ मिलेंगे? टेनिस इंडोर टेनिस कोर्ट मिलेंगे। कहाँ पर? एट इन पैलेस ऑफ वर्सेस। ठीक है, इंडोर इंडोर। ठीक है, तो वहां मिले। इन्होंने खुद को ही क्या बोल दिया 20 जून को कि हम ही अब क्या है? नेशनल असेंबली। और अब लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम एक फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राजा के पावर्स लिमिट नहीं करते। आई बात समझ? ठीक है, इनमें इनमें दो लोग और थे जो इनको सपोर्ट करते थे, पहला मेराबियो और दूसरा एबीसीस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हु वाज मेराबियो या हु वाज मेराबियो एंड एबीसीस। ठीक है ना? तो मेराबियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। ठीक है, ये चाहता था कि ये सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लीगल का फ्यूडल। ठीक है, ये एक जर्नल लेकर आया और बहुत सारी स्पीचेस उसने डिलीवर कर दी इन द सपोर्ट ऑफ थर्ड स्टेट। ठीक है ना? वैसे एबीसीज अपने आप में क्या थे? एक प्रीस्ट जिसने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, जिसने पता था थर्ड स्टेट को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ठीक है ना? अब लोग गुस्साए हुए तो थे, ये बात थी, लेकिन अभी तक रिवोल्यूशन आउटब्रेक नहीं हुआ था। आउटब्रेक मतलब लोग सड़कों पे ना उतर आए थे। ठीक है ना? What led to the outbreak of the revolution? लोगों का गुस्सा एकदम चरम सीमा पर अपने पीक पर कब पहुंच गया? तब पहुंचा जब विंटर बहुत खराब आया, हार्वेस्ट खराब हुए, बेड प्राइसेस क्या हो गए? महंगे हो गए, और बेकर्स ने प्राइस जितने भी ब्रेड कोट कर ली। कोटिंग मतलब मेरी दुकान पे होगा तो सही, बट कोई हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी और महंगे होंगे ना, तो जो लोग ज्यादा महंगे उनको बेच रहे थे। नहीं, किसी को भी नहीं बेच रहे थे, होर्डिंग कर रहे थे। नोबल तो ज्यादा पैसा देके खरीद ही सकते हैं ना, तो वो थर्ड एस्टेट वालों को बेचेंगे ही क्यों? वो तो जो उनको ज्यादा पैसा देगा उनको बेचेंगे ना। तो उनके लिए तो एग्जैक्टली होर्डिंग का पर्पस ही होता है। जिसके लिए दुकान बोतल लिया था खा रहा होगा। ठीक है ना? चलिए, हैंग्री वुमेन, इसलिए क्या हुआ? बहुत सारी वुमेन थी, वो उनको क्या होता था, बहुत लंबी लंबी लाइन में खड़ा रहते थे। बेटा आटा क्या होता है, वहाँ मिलती ब्रेड थी, तो सोचे गेहूं खरीद के पीस के आटा बना के फिर ब्रेड बनाएंगे, वैसा सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो जितनी भी एंग्री वुमेन थी वो कहाँ चले गई? शॉप में चले गई, सारे के सारे सप्लाईज लूट लिए। ठीक है ना? पूरे सिटी में सब जगह ही होने लग गया। तो ये कहानी कहाँ थी? सिटी की। विलेजेस में क्या हुआ? अफवाह फैली कि सब लोग बहुत सारे आने वाले हैं, कौन? बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स, जो पूरे क्रॉप्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब बड़े लोगों ने बहुत बंदे हायर करें पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो पीजंस डर गए, बोला यार वैसे ही महंगाई बढ़ती है, इसके बाद और बढ़ेगी। तो हम ये लोग ने सोचा क्या कि हम लोग क्या करते हैं, अपना बिला खुद का बंदोबस्त खुद ही कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, अपने होज उठाए, पिचफोर्क्स उठाए, और जितने भी अमीर लोगों के बड़े बड़े घर थे उन सब पे अटैक कर दिया। वहां से ग्रेन्स लूट लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स शो कर रहे थे कि इस बंदे का यही मेमोरियल ड्यू बचा है वो सब जला दिए। और ये सब देख के नोबल्स अपने घरों से भाग गए। राजा को भी लगा यार मैं ज्यादा देर तक इस रिवोल्ट को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने बोला ठीक है मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट करता हूँ, भले मेरे पावर्स थोड़े से आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। ठीक है, तो जब नई कॉन्स्टिट्यूशन मिली तो 4 अगस्त को उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट हुआ कि एग्जिस्टिंग हम सारे टैक्सेस हटा रहे हैं, सारी फ्यूडल ऑब्लिगेशंस बंद कर, जो क्लर्जी है उनको भी अपने प्रिविलेजेस क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी।
तिथेस लैंड का टैक्स एबॉलिश हो गया, जो चर्च के पास लैंड थे वो सारे तिथे क्या होता था 10% जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो हमको नोबल्स को सॉरी क्लर्जी को देना, ठीक है, जो नोबल चर्च के लैंड थे वो सब ले ली और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बनाने की कोशिश करी, और इस तरीके से फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, ठीक है ना, और तीन लोगों में पावर डिवाइड हो गया, कौन सा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। आई बात समझ में, लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली इलेक्ट होता था, वोटिंग के राइट्स सिर्फ किसको थे, एक्टिव सिटीजंस को, और एक्टिव सिटीजंस कौन थे, 25 इयर्स जो टैक्स देते थे और 25 साल से ऊपर, जो 25 साल से ऊपर मेन थे, वुमेन को तो कभी राइट टू वोट मिला ही नहीं 1945 के पहले, ठीक है, और जो 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस जितने टैक्सेस पे करते थे, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लोगों के राइट्स भी डिक्लेयर हुए कि हम लोग राइट टू लाइफ देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन देंगे और इक्वालिटी। मैम टैक्सेस भी एबॉलिश्ड हो गए थे। हां जी ओके, अब बेटा आगे की कहानी सुनते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड यूनिट, ठीक है ना। अब क्या हुआ ना, जब राजा ने चुपचाप शांति से क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि लाइफ तो वर्किंग पर बहुत खुशी नहीं हो पा रही थी, क्यों, क्योंकि उसका पावर काफी हद तक क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था, पर उसको ये रिडक्शन इन पावर जम नहीं रहा था, ठीक है, तो बिकॉज उसको ये रिडक्शन इन पावर नहीं जम रहा था तो उसने धीरे से एक सीक्रेट अलायंस कर दी, किसके साथ, प्रूशिया के साथ, प्रूशियन किंग के साथ, कि हम लोग ये नेशनल असेंबली को क्या करेंगे, भगा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या सोचा, किंग ऑफ प्रूशिया ने और हमारे किसने, किंग लुई 16 ने, कि हम लोग नेशनल असेंबली को डिसबैंड करेंगे। इनको पता ही नहीं था कि नेशनल असेंबली की प्लानिंग ही कुछ और, वो तो क्या सोच रहे थे कि हम लोग ने जैसे फ्रांस में राजा का पावर कम किया है, वैसे ही हम प्रूशिया, ऑस्ट्रिया जितने आसपास के देश हैं वहां पे सब राजाओं की पावर क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो वहां जहां एक तरफ क्या सोच रहे था, राजा सोच रहा था कि मैं नेशनल असेंबली को डिसबैंड करूं प्रूशिया की मदद से, वहीं प्रूशिया ने, वहीं नेशनल असेंबली ने क्या करा, प्रूशिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया, बोला कि यूरोप में जितनी जगह पे मोनार्की है, फ्रांस की नेशनल असेंबली सबके अगेंस्ट क्या डिक्लेयर करेगी, वॉर। और यहाँ के बंदे मार्सलीस क्या हुआ, गाना जो था वो गाते 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 जो बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बना, ठीक है, हाँ मतलब सॉन्ग तो क्यों नहीं बनते, कर लेना तुम्हारी कहानी, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये गाना नेशनल एंथम सिंग करते हुए ये लोग आगे प्रोसीड की, आई बात समझ में, ठीक है। वुमेन को क्या करना पड़ा था, घर मैनेज करना पड़ रहा था, तो वो लोग क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट उन्होंने नेतागिरी करती, वॉर तो डिक्लेयर कर दी, बट इट बिकेम अ वेरी प्रॉब्लम सम अफेयर, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई, ठीक है ना, वॉर की वजह से, और ऊपर से क्या था कि खाने पीने को भी नहीं था और वुमेन को बहुत सारे काम करने पड़े थे, और इन सारी चीजों को देख कर, इन सारी चीजों से क्या हो गए, त्रस्त हो गए लोग और पॉलिटिकल क्लब्स बनने लग गए बाय पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जो नेशनल असेंबली बनी थी ये किसने बनाई थी, एक्टिव सिटीजंस ने, यानी कि जो टैक्स भरते थे, यानी कि वो कौन थे, अमीर, तो वो खुद का तो भला कर रहे थे लेकिन वो पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि जो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी है ये किसके लिए बनी है, रिचर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए बनी है, इसलिए पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हुए, और क्या हुआ, वॉर चल रही थी अपनी जगह, ठीक है ना, तो वॉर और वुमेन जो थे, सॉरी जो पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे, जो वुमेन थे, इन लोगों को समझ में आया क्या कि हम लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर, आई बात समझ में, इन जो ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, इनमें से एक बहुत फेमस क्लब था, कौन सा, जैकोबिन क्लब, किसने बनाया था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने बनाया था, ठीक है, और ये खुद को कैसे प्रोट्रे कर रहे थे कि हम पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और हम किसका भला चाहते हैं, पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भला चाहते हैं, थर्ड एस्टेट, हां आई बात समझ में, मतलब पॉलिटिकल पार्टी स्टेट पे।